अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सना कामिल। लिसनर्स, हम सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहां से हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ था। हम बात कर रहे थे जंगे उहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब उन्होंने यानी मुशरिकीन मक्का ने मौका पाया और मौका पाते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया और उनको बेहद ज़ख्मी कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अपनी जानें कुर्बान कर दीं। उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 7 अंसारी सहाबा और 2 मुहाजिरीन सहाबा शामिल थे। 7 अंसारी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते बचाते जाम शहादत नोश किया। इन 7 अंसारी सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 मुहाजिरीन सहाबा साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच गए थे। अभी ये दोनों सहाबी इन मुश्रिकीन का मुकाबला कर ही रहे थे कि बाकी सहाबा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों पर बात करेंगे कि उनको किस किस्म के ज़ख्म आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गया, चेहरा मुबारक ज़ख्मी हो गया और होंठ से खून बहने लगा। और बताया जाता है कि ये ज़ख्म जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए तो ये उतबा बिन अबी वकास की वजह से आए, यानी उतबा बिन अबी वकास इस जुर्म का मुर्तकिब हुआ था। हज़रत उन्स बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से बयान है कि ग़ज़वे उहुद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत टूट गया और चेहरा मुबारक ज़ख्मी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून साफ करते हुए फरमा रहे थे, वो कौम क्या फलाह पा सकती है जिसने अपने नबी के चेहरे को खून से रंग दिया और वो इनको अल्लाह की तरफ बुलाता है। इस बारे में अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा की आयत 128 नाजिल फरमाई। तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काम में कोई दखल नहीं, या इनको तौबा नसीब कर दे या इनको अजाब दे दे, इसीलिए कि वो जालिम हैं। रिवायात में बताया जाता है कि इब्ने कमिया हारसी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर पत्थर मारा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक, दांत मुबारक और चेहरा ज़ख्मी हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निढाल हो गए और अक्सर मुजाहिदीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंतशिर हो गए। कुछ मदीना की तरफ चले गए और कुछ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ देते रहे, इधर आओ ऐ अल्लाह के बंदो, मेरी तरफ लौटो। ये आवाज़ सुनकर मुजाहिदीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हुए। अबू सईद बयान करते हैं कि उतबा बिन अबी वकास ने पत्थर मारा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नीचा वाला दाएं तरफ का दांत तोड़ दिया और निचला होंठ ज़ख्मी कर दिया। अब्दुल्ला बिन शहाब ज़हरी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक को ज़ख्मी कर दिया और अब्दुल्ला बिन कमिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार को ज़ख्मी किया और ख़ुद की 2 कड़ियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक में पेवस्त कर दीं। मैदान जंग में अबू आमिर ने घड़े खोद कर रखे हुए थे ताकि मुसलमान इसमें गिर जाएं। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घड़े में गिर गए। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे से उठाया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथों से तलवारों और नेज़ों के वो वार रोके जो ये मुशरिकीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करते थे। हज़रत तलहा को इतने ज़ख्म आए कि आखिर वो गिर पड़े। फिर इनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू उबैदा बिन जर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने संभाला। इस दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू दजाना, मुसअब बिन उमैर, उमर बिन खिताब, अली बिन अबी तालिब और दूसरे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पहुँच गए। उधर मुश्रिकीन की तादाद भी बढ़ती गई और इनके हमले भी सख्त तर होते गए, मगर मुसलमानों ने भी बहादुरी के साथ मुकाबला किया। कोई तीर चला रहा था तो कोई दिफा कर रहा था, कोई लड़ भड़ रहा था तो कोई अपने जिस्म पर तीरों को रोक रहा था। इस्लाम का झंडा हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में था। कुरैश ने इनके दाहिने हाथ पर इतनी ज़ोर से तलवार मारी कि हाथ कट गया तो उन्होंने झंडा बाएं हाथ में पकड़ लिया। मुशरिकीन ने इनका बायां हाथ भी काट दिया। इसके बाद उन्होंने झंडे पर घुटने टेक कर इसे सीने और गर्दन के सहारे लहराए रखा और इसी हालत में शहीद हो गए। इनका कातिल अब्दुल्ला बिन कमा था। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसा कि पहले भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबहत रखते थे, इसीलिए जब मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया
तो अब्दुल्ला बिन कमा जो इनका कातिल था वो ये समझा कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है। नाऊज़ु बिल्ला। इसीलिए उसने ज़ोर से चीखते हुए कहा कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए हैं, और ये खबर पूरे मैदान जंग में तेज़ी से फैल गई और इसके नतीजे में मुशरिकीन का दबाव कम हो गया, क्योंकि इनके ख्याल में अब इनका मकसद पूरा हो गया। जब लोगों में ये अफवाह फैल गई कि माज़ल्लाह रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं, तो बाज़ लोगों ने कहा कि काश हमारा कोई नुमाइंदा अब्दुल्ला बिन उबई के पास जाता और अब्दुल्ला बिन उबई से कहता कि अबू सुफियान से अमन के मुतालिक बात करी जाए, यानी मुशरिकीन से सुलह हो जाए। इन्हीं में से किसी ने कहा, ऐ कौम, मोहम्मद शहीद हो चुके हैं, अब तुम लोग अपने वतन और कौम की तरफ वापस चलो, कहीं ऐसा ना हो कि कुरैश आएं और तुम्हें ख़त्म कर दें। अगर आसान लफ्ज़ों में इस बात को समझा जाए तो जो शख्स ये बात कह रहा था, दरअसल उसका मतलब ये हुआ कि अब ये खेल ख़त्म हुआ नाउज़ु बिल्ला, और चलो अब अपने घरों को चलो, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये मंज़र देख कर हज़रत उन्स बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से मुखातिब होकर कहा, ऐ लोगों, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं तो हिम्मत ना हारो, उनका रब तो जिंदा है। इस दीन की खातिर तुम जिहाद करो जिस दीन की खातिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद करते रहे हैं। और फिर हज़रत उन्स बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह, मैं इनकी बात पर तेरी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ और इनके किरदार से बेजार हूँ। फिर वो अपनी तलवार से मुशरिकीन पर हमला आवर हुए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शहीद हो चुके हैं, इसलिए अब ये सब छोड़ो और अपने अपने घरों को चलो, अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत 144 में फरमाते हैं, तर्जुमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं, इनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, क्या अगर इनका इंतकाल हो जाए या ये शहीद हो जाएं तो तुम इस्लाम से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? और जो कोई फिर जाए अपनी एड़ियों के बल तो हरगिज़ अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अनकरीब अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को नेक बदला देगा, यानी जिन्होंने साबित कदमी की उनको अल्लाह ताला नेक बदला देगा। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, वल्लाह मैंने हिंद बिनते उतबा और इसकी सहेलियों के पाजेब देखे, वो पिंडलियों से कपड़ा उठाए हुए थीं और जंग के मैदान से भाग रही थीं। इस वक्त इनको गिरफ्तार करना हमारे लिए बहुत ही आसान था। जब मुसलमानों ने दुश्मन पर पूरी तरह से काबू पा लिया और दुश्मन के पांव उखाड़ लिए तो अचानक वो 50 तीर अंदाज जिनको रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर खड़ा किया था, वो पहाड़ को छोड़कर मैदान जंग में आ गए और माल गनीमत इकट्ठी करने लगे। ये देख कर दुश्मन पीछे से हमला आवर हुआ और किसी ने चिल्ला कर कहा, सुनो, मोहम्मद कत्ल हो गए हैं, नाऊज़ु बिल्ला। ये सुनकर मुसलमान बदहवासी के आलम में पलटे और दुश्मन टूट कर मुसलमानों पर हमला आवर हुआ। हालांकि लड़ाई में मुसलमानों का पल्ला भारी था और मुसलमान काफिरों के कई एक अलमबरदारों को हलाक भी कर चुके थे। तीर अंदाजों के पहाड़ को छोड़कर चले आने से वो जगह खाली हो गई जहां के वो मुहाफिज थे, और जिसकी वजह से खालिद बिन वलीद का लश्कर घोड़ों पर सवार पीछे से मुसलमानों पर हमला आवर हुआ और कुरैश और मुसलमान आपस में टकरा गए और इसी तरह से बहुत से मुसलमान शहीद हुए। मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की खबर सुनी तो इनका रहा सहा होश भी जाता रहा, इनका जोश ठंडा हो गया, हत्ता के कितनों ने तो लड़ाई ही छोड़ दी। मुसलमान इन्हीं हालात से दो चार थे कि अचानक काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और पहचान गए तो बावाज़े बुलंद कहा, मुसलमानों खुश हो जाओ, ये रहे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनकर मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पलटना शुरू कर दिया और मुसलमान इतना खुश हुए कि जैसे उनको कोई तकलीफ़ ही ना पहुंची हो। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता 30 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। इसी दौरान जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो रहे थे, मुशरिकीन ने बहुत कोशिश की कि इन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचने से रोका जाए, मगर वो इस बात में कामयाब ना हो सके। इस दौरान मुसलमानों और मुशरिकीन के बीच लड़ाई चलती रही, लेकिन मुशरिकीन को आगे बढ़ने और मुकाबला करने की जुर्रत ना हुई, बल्कि वो मैदान में थोड़ी ही देर बाकी रहे और इसी दौरान शहीदों का मुसला करते रहे। मुसला से मुराद है यानी वो शहीदों के आज़ा काटते रहे, यानी कान, नाक वगैरह वगैरह, और उनके पेट भी चाक करते रहे।
हिंद बिनते उतबा ने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का पेट चाक करके इनका कलेजा निकाला और इसको चबाया, लेकिन निगल ना सकी, इसीलिए फेंक दिया और कान नाक के हार और पांजेब बनाए। यहाँ पर प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हो जाता है।